अगर टीचर नहीं बन पाए तो ध्यान रखना, जो वो दो कौड़ी के लोग, जो वो सड़ी हुई शकल के लोग तुम पर हंसते हैं ना, वो कल भी हंसेंगे, तुम्हारे ऊपर अंगुली उठाएंगे कि देख ये उसका लड़का बीए की है इसने, या बीएससी किया है, या आईटीआई किया है, और अब गांव के। हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मित्रों आज एक गहन विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप यूट्यूब से तैयारी करते हैं, अगर आप सिर्फ यूट्यूब से तैयारी करते हैं, आप कहीं से पेड कोर्स खरीद के तैयारी करते हैं, यानी कि आप किताबों के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखिए साथियों, अगर आप यूट्यूब से तैयारी करते हैं तो आपका साथियों एक देखिएगा सबसे अच्छा फायदा तो ये है कि इस बदलते हुए युग के अंदर वो बच्चे जो कहीं नहीं जा पाते हैं, पैसे नहीं है उनके पास, वो यूट्यूब पर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हाल ही में एक एग्जाम्पल भी था कि यूट्यूब पर तैयारी करके एक बालक है वो आईएएस भी बन जाता है, तो बीएसटीसी तो नॉर्मल चीज है। लेकिन मैं आप बात करूंगा कि फायदे ज्यादा साथियों इस चीज के नुकसान है। आप कहेंगे सर क्या आंखें खराब हो जाएगी? जी नहीं, आंखों की बात रही दूर, यहां पे आपके लिए नुकसान है कि जब आप YouTube पे तैयारी करते हो तो कुछ गलतियां करते हो, उन गलतियों के बारे में मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। वो आपकी क्या क्या गलतियां होती है जिनकी वजह से आप सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। मित्रों बता दूं, 2020 के अंदर भी मैंने यही बात की थी, जिस जिसने बात मानी थी उनका सिलेक्शन हो चुका है, जिसने बात नहीं मानी थी साथियों वो अभी की अभी 2021 में भी तैयारी कर रहे हैं, और उनमें से शायद आप भी हो सकते हैं। बुरा मत मानिए, ये वीडियो आप पे नहीं बनाया जा रहा है, ये सभी के लिए एक चेतावनी के रूप में, तो इसको आपको अंत तक देखना है। मित्रों हम जब YouTube से तैयारी करते हैं तो हम करते हैं क्या, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं एक दो YouTube पे चैनल सर्च करते हैं, और उनमें से अपन को लगता है कि यहाँ पे BSTC की क्लासेज चल रही है। जैसे चार चैनलों पे मान लिया कि एग्जांपल देता हूँ, चार चैनल्स पे क्या चलती है क्लासेज, इतने तो हो ही जाते हैं, ठीक है ज़्यादा होंगे लेकिन 400 कम से कम हो ही जाएंगे। आप क्या करते हैं साथियों, चारों के चारों चैनल को क्या करते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब मित्रों आप क्या करते हैं, इन चारों के मान लिया एक चैनल वाला दिन में 3 वीडियो डाले तो भी साथियों क्या, डेली के वीडियो कितने आते हैं 12। एक वीडियो आधे घंटे का आए तो भी डेली के वीडियो कितने आएंगे 6 घंटे का वीडियो। 6 घंटे लगातार मित्रों आप YouTube देखते हैं, उसके साथ साथ आपका Instagram हो गया, Facebook हो गया, अरे WhatsApp तो भूल ही गए, यानी कि मित्रों 8 से 10 घंटे। आप कहेंगे सर ये 6 घंटे हमारी पढ़ाई में आएंगे क्या? नहीं मित्रों, ये आपकी पढ़ाई में नहीं आए, आपने YouTube पे 6 घंटे देखे, इसको आप कहो कि मैं 6 घंटे रोज पढ़ता हूं तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, गलत होगी। क्यों मित्रों? जब तक आप किताबों के रास्ते से नहीं गुजरोगे तब तक आपका सिलेक्शन, आप कहेंगे सर आप YouTube पे तैयारी कराते हैं, आप इतना BSTC का कोर्स चला रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क, और आप कह रहे हैं कि तैयारी नहीं होगी YouTube मत देखो। मित्रों मैंने कहने का मतलब यहां पे क्या, उसको जरा सोचिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ YouTube का है। देखिएगा अगर आप ऐसा करते हैं, दो तरीके, अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने YouTube पे कोई भी क्लास देखी, क्या कि YouTube पे क्लास देखी, मैं लिख आज अपन ने मान लिया कि क्या पढ़ा, शिलालेख पढ़ा, तो आपने शिलालेख की क्लास देखी, उसके बाद आपने अपनी बुक्स उठाई और बुक्स में शिलालेख टॉपिक खोजा और उस बुक्स में से शिलालेख को पढ़ा, क्लास को भी पढ़ लिया, फिर उसको याद कर लिया, तो मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, दुनिया की कोई ताकत है वो आपको रोकने वाली नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका जो वर्तमान में मेजर समस्या है, सभी लोग क्या करते हैं 4 से 5 चैनल को क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, चार मान लिया 4 YouTube चैनल पे वो तैयारी करते हैं, तो साथियों 6 से 7 घंटे वो ऑनलाइन रहते हैं जिसमें सिर्फ वीडियोस देखते हैं। उसके बाद साथियों जब आप लंबे समय तक YouTube देखोगे और बुक उठाओगे तो आपको किताब से पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपका मन हमेशा सरल काम को चुनता है, और किताब से पढ़ना और YouTube देखना में सबसे सरल काम है YouTube देखना, फिर साथियों आपका पढ़ाई से मन धीरे धीरे हटेगा, आपको लगेगा कि आपको याद हो रहा है लेकिन साथियों वो आपके साथ धोखा हो रहा है। मैं आप कहूंगा आप चाहे किसी भी एक यूट्यूब चैनल को ही फॉलो करिए, 1 से 2 भी नहीं होने चाहिए। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे कह रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो? जी नहीं साथियों, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप लहर क्लासेज को ही फॉलो करिए। मित्रों बहुत सारे चैनल से आपको ठीक है, अब यहां आप कहेंगे सर आप अपनी खुद की यहां पे क्या वैल्यू कम करें, मित्रों वैल्यू कम करने से अच्छी बात है आपको सच्चाई बताना, ठीक है? सच्चाई ये नहीं कि लहर क्लासेज पर पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, वादा करता हूं आपका सिलेक्शन होगा 100% स्ट्रॉन्ग पेपर पर लिख के दे सकता हूं, लेकिन जो कह रहा हूं वैसे करना पड़ेगा। साथियों आप 2 से 3 यूट्यूब चैनल करते हैं तो वहां पर साथियों आपको पढ़ाई में टाइम नहीं मिलेगा, आप पूरे दिन ऑनलाइन नहीं है। लेकिन साथियों कोई भी मेरे से कोई अच्छा पढ़ाता आप उसको फॉलो करिए, कोई एक करिए, मैं यूं नहीं कहता हूं कि आप लहर क्लासेज को ही करिए। यूट्यूब पे आपको लगता है कि BSTC और PTT की यहां पे एकदम व्यवस्थित क्लासेज चल रही है और इनका पढ़ाया हुआ समझ में भी आ जाता है और सिलेबस भी पूरा पूरा कवर हो रहा है, पिछले इनके रिजल्ट भी अच्छे, इन चारों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको लगे कि ये चैनल सबसे अच्छा है, मित्रों आप उस एक चैनल को ही फॉलो करिएगा, बाकी वाले चैनल्स को छोड़ दीजिएगा। मेरी विनती रहेगी, मैं यहां किसी चैनल के विरुद्ध भी नहीं कह रहा हूं, नहीं अपने विरुद्ध कह रहा हूं या अपने फायदे के लिए कह रहा हूं, मैं फायदे के लिए आपके लिए कह रहा हूं।
जरा आप खुद सोचिए, आप जब 4 से 5, 5, 6, 6 घंटे YouTube देखते हैं, उसके बाद क्या आप पढ़ाई कर सकते हैं मित्रों? नामुमकिन है, फिर नहीं हो सकती पढ़ाई। इसलिए कहूंगा एक ही अगर चैनल पे आपको वो सारा मटेरियल मिल रहा है तो इधर उधर नहीं। आपको क्या करना है, देखिए सिलेक्शन के तरीके देख लो, यूट्यूब पे जो भी क्लास देखी उसके बाद मित्रों आपको क्या किताब से उसी टॉपिक को पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार कुछ बच्चे थे जो पूरे दिन, क्या मैं आपको देखता हूं, देखिएगा यूट्यूब एनालिटिक्स होता है यूट्यूबर्स को, हर किसी के पास जिनके ऑनलाइन क्लास है उनको ऑप्शन मिलता है कि वो यूट्यूब में जाके देख सकता है कि किस बच्चे ने कौन कौन से दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे, कौन कौन से चैनल्स को और देखता है। तो मैं यूं नहीं कहूंगा कि आप उन चैनल्स को मत देखो मित्रों, देखो, लेकिन अगर आपका एग्जाम नजदीक है, वैसे आप सीखने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, मना थोड़ी करेंगे, यूट्यूब आपका भाई आपकी मर्जी, लेकिन एग्जाम नजदीक है, इसकी वजह से मैं आपको कहूंगा कि अब आपके पास समय कम है, 2 महीने का समय, और BSTC को आप जितना सरल समझ रहे उतना सरल नहीं है। आप हिंदी मानते ना कि हिंदी कुछ नहीं है, हिंदी का पेपर उठा के देख लो पिछले साल का, ठीक है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, ये इतनी सरल नहीं है जितनी सरल आप समझते हो। पिछली बार अगर आप इसको थोड़ा ज्यादा सरल समझोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा यहां से निवेदन रहेगा कि आप बुक्स पढ़िए और साथ साथ में यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पे जो क्लास देखिए उसके बाद सीधी बुक्स लीजिए, फिर बुक्स में पढ़िए। इसलिए आपका टाइम टेबल भी चेंज कर लिया गया कि आपकी 8 बजे जीके की क्लास होगी तो 8 से 9 तक आप वापस वो बुक से पढ़ लीजिए, फिर 10 बजे क्या आपकी जो शिक्षण रुचि उसकी क्लास होगी, उसके बाद 10 के बाद अब कभी भी क्या शिक्षण रुचि है वो बुक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वापस 4 बजे आपकी मानसिक योग्यता की क्लास होगी, 4 से 5 आप वापस उसको बुक से पढ़ो, फिर 6 बजे आपकी किसकी क्लास होगी, हिंदी की क्लास होगी, तो 6 के बाद आप वापस उसको क्या पढ़ो, बुक से पढ़ो। ये साथियों इसलिए क्या क्या, बाकी 7-7 क्लासेज आती थी तो साथियों 7 घंटे क्लास और 7 घंटे वापस पढ़ना, 14 घंटे आप लगातार नहीं पढ़ पाते, इसलिए क्या गया। और साथियों 2020 में मैंने वीडियो बना के यही बात बताई थी, लेकिन वहां पे मुझे बहुत सी गालियां भी सुननी पड़ी, लेकिन क्या करें साथियों, सच क्या होता है, कड़वा होता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मित्रों बाद में सिलेक्शन नहीं होगा तब आपको कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ, उस समय मुझे बहुत बुरा लगेगा। आज आपको बुरा लग रहा है इस बात से, लेकिन उस समय मुझे बुरा लगेगा, और साथियों आपको उससे भी ज्यादा बुरा लगेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए मैं कह दूं, मैंने 2020 के अंदर एक वीडियो बनाया था जिसपे मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला, लेकिन जिन्होंने मुझे सुनाया था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन्होंने बात मान ली थी मेरी सुनी थी उनका मित्रों सिलेक्शन हो चुका था। आप एक बार वो वीडियो भी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं लहर क्लासेस से दिनेश आजना आज आपसे कुछ चिल्ला चिल्ला कर बताने के लिए आया हूं। जी हाँ, क्या आपने भी BSTC के अंदर फॉर्म अप्लाई किया है? तो क्या लगता है अब आपको कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने से सिलेक्शन हो जाता है? साथियों आपने या तो 12वीं पास किया है, या फर्स्ट ईयर के पास करके आए, या फिर सेकंड ईयर के अंदर हो और आपने फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि मैं ऐसा मान सकता हूं कि अभी तक आपको कंपटीशन का उतना नॉलेज नहीं है, आप एक फ्रेशर हो, आपको सिर्फ इतना लगता है कि BSTC के एग्जाम के अंदर 400 नंबर लेके आ जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। भाई यहां बात 400 नंबर की नहीं है, बात यहां पे कंपटीशन की है। जी हां, कंपटीशन जो शब्द आपने 12th के बाद ही सुना होगा। साथियों 6 से 7 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं और 20 से 22 हजार लोगों को लिया जाता है। कैलकुलेशन लगा लीजिए कितने परसेंट लोगों को लिया जाता है। क्या आप उन 6-7 लाख की भीड़ में से 22,000 हीरो में निकल सकते हो? बिल्कुल नहीं। इस कंडीशन से आप बिल्कुल नहीं निकल सकते हो, क्योंकि खुद के सीने पे हाथ रखिए, खुद के दिल पे हाथ रख के बोलिए क्या आप कितनी मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। साथियों एक दिन आप ध्यान रखना, यदि आप आज नहीं संभले तो एक दिन आप रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, और उस समय जब आप रो रहे होंगे आपकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन आपके दिमाग के अंदर मेरे ये स्वर गूंज रहे होंगे कि पढ़ लो पढ़ लो, और आप सोचेंगे कि अगर उस दिन इस चिल्ला चिल्लाकर बोलने वाले इस बंदे की आवाज को सुन लिया होता तो आज रोना नहीं पड़ता। इसलिए निवेदन रहेगा इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, भले ही पसंद नहीं आए अनलाइक कीजिएगा तो गाली लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन साथियों मैं यहां पे जो बातें बता रहा हूं वो बातें अपनी जिंदगी के अंदर जरूर ढाल लीजिएगा ताकि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सको। साथियों होता क्या है, यहां पे कुछ नहीं होने वाला है, यहां पे साथियों आप सबको पता होगा, आपको क्या लगेगा कि BSTC के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा? साथियों क्या लगता है BSTC में सिलेक्शन ऐसा ही हो जाता है? साथियों 3-4 ऑनलाइन कोचिंग सेंटर की और आप पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते हो, और आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अरे भाई जब आप सेल्फ स्टडी कब करते हो मेरे को ये बताओ, आप 10-10 घंटे कोचिंगों के उन क्लासों के अंदर बैठे रहते हो, बताइएगा साथियों यहां पे आपको क्या लगता है सिर्फ आप कोचिंग करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं भाई, आप हो, आप नीचे खड़े हो एक समतल जमीन पर हो, आपकी जो मंजिल है BSTC एक ऊंचा सा पहाड़ है, ऊंचा सा पर्वत है, और उस चोटी तक आपको पहुंचना है, लेकिन साथियों आपका टारगेट सिर्फ वो चोटी है कि उस चोटी तक पहुंचना है। लेकिन मेरे भाई याद रखना, उस चोटी तक पहुंचने के लिए उसका रास्ता पता होना जरूरी है। सिर्फ चोटी को देखने और उसके सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला है, यहां आपका रास्ता है आपका सिलेबस। जी हां, ये सिलेबस है, ये आपका उबड़ खाबड़ रास्ता है। इस उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करने की योग्यता है क्या आपके अंदर? बिल्कुल नहीं है। आज की कंडीशन के अंदर बिल्कुल नहीं है, मैं पिछले 10 दिनों से जज कर रहा हूं। ऐसा क्या है जो आपके अंदर नहीं है? साथियों याद रखना, एक बात बता दूं उससे पहले कि अगर आप BSTC के अंदर आज कामयाब हो जाते हो तो 2 साल बाद शिक्षक बनोगे, बस आपने यही सोचा है। लेकिन आपने कभी यही नहीं सोचा
कि अगर आपका बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी कैसे होगी, जरा सोचिए उस बात को कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो जिंदगी कैसे होगी। साथियों आप या तो बीए करेंगे या बीएससी करेंगे या आईटीआई करेंगे, क्या करेंगे, बीए या बीएससी। साथियों वो कॉलेज है, वो कॉलेज एक प्रकार का प्रेशर कुकर है जहां पर सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है, सीखने को उतना नहीं मिलता है जितना आपको सक्सेस होने के लिए पिलना पड़ेगा। साथियों वहां पर सिर्फ आईए और आरएएस बनना होता है, वही बंदे अच्छे से पढ़ पाते हैं, बाकी वाले सिर्फ उन चार दीवारी के अंदर अपना समय व्यतीत करते हैं। और क्या आप चाहते हैं समय व्यतीत करना, फिर भी मान लिया आप 3 साल कॉलेज के अंदर समय व्यतीत कर दोगे, 2 साल की बीएड करोगे, 5 साल बाद आज आप 2 साल के बाद शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आज आप चूक गए तो 5 साल बाद शिक्षक के लिए अप्लाई करोगे, यानी कि आप अपनी जिंदगी से 3 साल पीछे चले जाओगे। और 3 साल पीछे जाने का कारण क्या होता है, 3 साल पीछे जाने का रिजल्ट क्या होता है, यह आप सब जान सकते हैं, और वही फिक्स नहीं है क्योंकि साथियों वहां पर बीएड की कितनी भीड़ है। अरे यार ये सोचिए ना, जरा आप बीएसटीसी के अंदर आप थर्ड ग्रेड टीचर बनते हैं, यहां पर 6-7 लाख लोगों में से सिर्फ 6-7 लाख लोगों में से सिर्फ 1 साल के अंदर 20,000 से 22,000 लोगों को बीएसटीसी कराई जाती है, और जहां बीएड की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 90,000 लोगों को निकाला जाता है। यार जब आप 20,000 की भीड़ में नहीं निकल पा रहे हो तो 90,000 की भीड़ में आप कैसे से पाओगे। आपको क्या लगता है कि किसी बारी पास वैकेंसी के अंदर अप्लाई करेंगे और वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम्पल मान लिया राजस्थान पुलिस का, क्या आप बारी के बाद पुलिस के अंदर अप्लाई कर लेंगे अगर आपका बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है। मेरे भाई जरा मेरे को यह बताओ, बीएसटीसी के अंदर 20,000 लोगों को लेना है और 6-7 लाख लोगों के फॉर्म अप्लाई होते हैं, जबकि राजस्थान पुलिस में 5,000 लोगों के लिए 16 से 17 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 16 से 17 लाख। जब आप इन 6 लाख की भीड़ में से नहीं निकल पाए तो क्या आप 16 से 17 लाख की भीड़ में लगने का हिम्मत पाते, बिल्कुल नहीं। और याद रखना जैसे जैसे 12th के बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी याददाश्त क्षमता भी कमजोर होती जाएगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि आप अभी डेली स्कूल जा रहे थे, आप स्कूल से जुड़े हुए थे, आप पढ़ रहे थे, आपको सब कुछ याद करना होता था, आपके पास एक जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरे भाई कॉलेज में कोई पूछता तक नहीं है, उनका मकसद सिर्फ फीस होता है, फीस दो और जाओ, वहां पर आपकी एक रेगुलरिटी घटेगी, आपकी याददाश्त क्षमता घटेगी, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई अभी भी वक्त है, पढ़ लीजिएगा, कॉलेज के बाद कुछ नहीं होने वाला है, ये कॉलेज आपका एक प्रकार का टाइम वेस्ट करेगी, लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, और सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपके पास आज वक्त है, जो मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं। क्या तुम्हें क्या लगता है तुम मेहनत नहीं करनी, क्या तुम्हें क्या लगता है ये कंपटीशन ऐसी चीज है? साथियों क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे 12th के अंदर 80% बन गए या 90% बन गए तो तुम्हारा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा? भाई यहां वो तुम्हारे 80-90 कुछ काम नहीं आते। याद रखना 2019 के अंदर जो बच्चा बीएसटीसी में टॉपर आया था उसके 48% ही थे, 45 से अबव ही थे, वो 50% तक नहीं बनाया पाया था 12th के अंदर, और उसने टॉप करके दिखाया था। ध्यान रखना यहां पे काबिलियत काम आती है, वो आपके डिग्रियां या सर्टिफिकेट यहां पे काम नहीं आएंगे, यहां पे सिर्फ आपको 4 गोले मिलने वाले हैं, और उन गोलों के बारे में अच्छे से ज्ञान है, वो 200 प्रश्न मिलेंगे, उन 200 प्रश्नों को अगर अच्छे से आपने कर दिया तो ये आपका वहां पे सिलेक्शन है, आपके ना आपके 80% काम आएंगे और ना ही आपके 90। मेरे भाई समय निकलता जा रहा है, जाग और कुछ कर, अभी भी तेरे पास मेहनत करने का वक्त है। याद रखना भाई अगर टीचर नहीं बन पाए ना, अगर टीचर नहीं बन पाए तो ध्यान रखना जो 2 कौड़ी के लोग, जो सड़ी हुई सकल के लोग तुम पर हंसते हैं ना, वो कल भी हंसेंगे, तुम्हारे ऊपर अंगुली उठाएंगे कि देख ये उसका लड़का बीए की है इसने, या बीएससी की है, या आईटीआई की है, और अब गांव के अंदर घूम रहा है, इसके पास कुछ काम नहीं है। भाई कोई इसको काम दिला दो, अच्छी सी नौकरी दिला दो। साथियों ये दिन आएगा, और क्या तुम ये दिन दिखाना चाहते हो अपने माता पिता को? ये दिन दिखाना चाहते हो? अपने माता पिता तुम्हारे लिए ये सपने देख रहे हैं कि मेरा बेटा एक दिन मुझे गर्वित करे, या फिर उनको शर्मिंदा करना चाहते हो? साथियों गर्वित करना है, शर्मिंदा नहीं। नहीं तो याद रखो, अब सोचिए अगर दूसरे वे से पॉजिटिव वे से सोचिए, अगर आप आज मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, और आप बीएसटीसी के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं, 2 साल बाद टीचर बनते हैं, तो वही जो सड़ी सकल वाले लोग हैं ना, उनका मुंह बंद हो जाएगा, उनका मुंह बंद हो जाएगा, वही पलट जाएंगे, बाजी पलटेंगे, और क्या कहेंगे, यार क्या बात है, मेरे बेटे को भी तेरे जैसा बनाना चाहता हूं, बता भाई तूने कैसे किया ये सब, मेरे बेटे को भी तू पढ़ा। साथियों ये वक्त आएगा, आप क्या चाहते हो, तब तुम्हारे माता पिता लोग गर्व से बात कर पाएंगे तुम्हारे ऊपर कि मेरा लड़का है वो या मेरी लड़की है वो। आपको क्या लगता है, आप अपने माता पिता को शर्मिंदा करना चाहते हो या फिर गर्वित? साथियों वक्त है, वक्त है, अभी भी सुधर जाइएगा। आपको क्या मेहनत नहीं करनी, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए कि आपको मेहनत करनी है नहीं है। आपको कह रहा हूं जो ये सुन रहे हो, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो यस या नो, आप मेहनत करोगे या नहीं। अगर आपको जब मेहनत ही नहीं करनी है तो मैं आज रोज 4-4 घंटे बीएसटीसी पीटीटी की क्लास लेके क्यों चिल्लाऊं, मैं 4 घंटे क्यों चिल्लाऊं जब आप मेहनत करना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो मैं 4 की जगह 8 घंटे चिल्लाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, मुझे आपकी सक्सेस चाहिए। जब आपके माता पिता की आंखों के अंदर खुशी के आंसू होंगे ना, खुशी के आंसू होंगे, आपके ऊपर गर्व होगा, उस समय मुझे खुशी होगी, उससे पहले मुझे कोई खुशी नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिए। भाई एक बार फिर से कह रहा हूं, ये मैं चिल्ला चिल्लाकर अपना गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं कि पढ़ लो, फिर वक्त नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, फिर कुछ नहीं हाथ में आने वाला है, फिर कुछ नहीं मिलेगा, इधर
इधर घूमते फिरोगे, कुत्ता तक तुम्हें पूछने नहीं आएगा, कुत्ता तक कि भाई क्या करते हो क्या नहीं करते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर सक्सेस हो गए ना, अगर बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन हो गया ना, तो मेरे भाई याद रखना, लोग पूछेंगे भैया तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है, कितने दिन की छुट्टी पे आए हो, कितना पेमेंट लेते हो, काम क्या होता है। अरे यार तुम्हारे तो आनंद पड़े, याद रखना तुम कौन सा दिन देखना चाहते हो। और साथियों बात तुम्हारे स्वाभिमान की है, और जब बात हमारे स्वाभिमान पे आती है तो याद कीजिए उस महाराणा प्रताप को। अकबर चाहे 2 लाख की सेना लेके आ गया, 20 लाख की लेके आ गया, चाहे 1 आदमी आ गया, लेकिन उन्होंने अपनी नाक नहीं झुकाई, सिर्फ महाराणा प्रताप की बात क्यों करे। अरे यारो हम तो राजस्थानी है, हमारी जो रेत के कण है ये वीरों की हड्डियों से बने हुए हैं। यहाँ पे एक एक जगह पर वीरता के आपको उदाहरण मिल जाएंगे। राजस्थान में बहुत से ऐसे उदाहरण है जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मोटिवेशन से सिर्फ सोए हुए व्यक्ति को ही जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है, सिर्फ नाटक कर रहा है, उसको मैं नहीं जगा सकता। सिर्फ सपने देखने से साथियों कुछ नहीं होता है, उन सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह चीज आप ध्यान रखिएगा, आपका आज का जो आपका काम है यही आपका कल निर्धारित करेगा। आज आप जो काम कर रहे हो यही आपके कल का निर्धारण करेगा। और मैं लिख के दे देता हूं, अगर आपने मेहनत नहीं की तो मैं लिख के दे देता हूं, अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप पछताओगे, फिर मैं याद आऊंगा कि यार वो बंदा सही बोल रहा था, लेकिन उस टाइम ने हमने वीडियो को अनलाइक किया था तो गाली दी थी क्योंकि हमें वो पसंद नहीं आया। साथियों सत्य हमेशा कड़वा होता है और यह सच्चाई कोई नहीं बताता। क्यों बताएगा तुम्हें कोई कोचिंग वाला कि भाई बुक भी पढ़ो, सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्यों बताएगा? उसको तो वीडियो सर्च चाहिए, उसको तो सर्च चाहिए, उसको व्यूज चाहिए, वो नहीं बताएगा। लेकिन साथियों मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ कोचिंग से कुछ नहीं होगा, बुक से भी पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी वे के अंदर करो, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको याद होना चाहिए। तो साथियों एक बार पुनः कह रहा हूं, सोच लीजिएगा कि आपके रगों के अंदर खून दौड़ रहा है या पानी दौड़ रहा है। साथियों खून सिर्फ खून से कुछ नहीं होता, उन खून के अंदर उबाल होना चाहिए। मेरे सीने में आग है तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे काम आएगी, लेकिन मेरे सीने के साथ साथ अगर आपके सीने में भी आग है तो हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, समाज को बता सकते हैं कि यहां पर परसेंटेज मायने नहीं रखते, यहां पर सिर्फ मेहनत काम मायने रखती है, यहां पर डिग्रियां काम नहीं आती है, यहां पर हमारा पसीना काम आता है। तो क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के जरूर बताइएगा, और हमेशा की तरह सुबह जल्दी ही हर टाइम हर समय क्लासेस को अटेंड कीजिएगा और जब तक मेहनत कीजिएगा, जो भी बुक्स है जो भी है आपके पास उन सबसे पढ़िएगा, जो भी मिल रहा है उन सबसे पढ़िएगा। और याद रखना कुल मिलाकर हमारा टारगेट तो उसकी मंजिल पाना है, लेकिन मंजिल का रास्ता आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मंजिल की तरफ ऊपर देखते देखते चलोगे तो नीचे का उबड़ खाबड़ रास्ता आपको गिरा देगा और उन गहराइयों के अंदर उन लादियों के अंदर आप मिलोगे तक नहीं। लेकिन अगर आपने उस रास्ते को भी अच्छे से देख लिया है कि मंजिल कहां है और उसका रास्ता किधर से जाता है, तो यकीन मानिए आप एक सक्सेस इंसान बन जाओगे और अपनी मंजिल को फतेह करके रहोगे। उस जो मेरा काम था वो मैं कर चुका हूं कि गल्ला फाड़ फाड़ के आपको समझाना, वो मैं कर चुका हूं। अब बस आपका काम है कि आपको क्या निर्णय लेना है, एक सक्सेस होना है या फिर लोग आपके ऊपर अंगुली उठा सके, आपके माता पिता को शर्मिंदा महसूस कर सको ऐसा बनना है, या फिर आपके माता पिता आप पर गर्व कर सके ऐसा बनना है। यह निर्णय आपका है, बस मैं अपना गल्ला फाड़ चुका हूं, अब चलता हूं। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।